हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हो अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने दो मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव ने सदन में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल उठाए, यूपी की योगी सरकार को घेरा और कहा कि अगर यूपी सरकार के पास बजट की कमी है तो वो स्वीकार क्यों नहीं करती। अखिलेश ने कहा कि सरकार डिप्टी सीएम को बजट नहीं दे रही है, जरा सुनिए। और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को, क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य सरकार डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को शायद बजट इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि उन्होंने दो मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो दो मंत्री जिन्हें बीजेपी सरकार में बेरोजगार कर दिया गया। अब ये दो मंत्री कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश ने सदन में और क्या कहा है वो सुनिए। हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हो अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने दो मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग दो लोगों के पास था क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए, तो दो मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया उन्होंने। एक तो है ना, तीन दो बेरोजगार हो गए ना। जो नहीं समझ पा रहा है वो, जिसके दिल पे कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि दो चले गए। देखिए दोस्तों, पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन अब दोनों भाग हमारे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के पास ही हैं। पहले दो स्वास्थ्य भाग में एक भाग सिद्धार्थनाथ सिंह के पास था और दूसरा आशुतोष टंडन के पास, लेकिन बीजेपी की दूसरी बार सरकार आते ही ये दोनों भाग बृजेश पाठक ने अपने अंडर में ले लिए। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करके मंत्रियों की नौकरी खा ली, उसके बाद अब खुद से स्वास्थ्य सुविधाएं संभल ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है, डॉक्टरों ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए हैं और अस्पताल में लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। गरीबों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और इलाज के लिए लोगों को दिल्ली तक जाना पड़ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि मंत्री अस्पतालों में जाते हैं और सिर्फ छापे मारते हैं। ये सरकार डबल इंजन होने का दावा करती है, लेकिन मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है। ये हमारे जो डिप्टी सीएम है, जहाँ जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम, तो क्यों आए हम छापा के लिए यहाँ पर। अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे, आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब जवाब, कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को, माने मंत्री ट्रांसफर हो गए इन्हें पता ही नहीं। दोस्तों वीडियो को अपनों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।